नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है आपको छोटी छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर हर गलियों हर मोहल्ले से। समय की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कुशीनगर जनपद के तमकुहीरा तहसील अंतर्गत विकास खंड दुदही क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिसरौली से। मिसरौली के ग्रामीणों ने कोटे के चयन को लेकर बीते 24 मई दिन मंगलवार को ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि ग्राम पंचायत मिसरौली में सहायता समूह के तहत कोटे का चयन होना था, जिसमें संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के देखरेख में मीराबाई स्वयं सहायता समूह के सदस्य सीमा देवी एवं दूसरा सरस्वती स्वयं सहायता समूह संचालित है, जिसमें खुली बैठक के दौरान मीराबाई स्वयं सहायता समूह के पक्ष में सभी समूह के सदस्य मीराबाई के समर्थन में हाथ उठाया और अपना समर्थन दिया, तथा वही सरस्वती स्वयं सहायता समूह के पक्ष में कोई अपना समर्थन नहीं दिया। ग्रामीणों ने मीडिया टीम को बताते हुए कहा कि आज तक मीराबाई समूह का कोटे का चयन नहीं किया गया, जिससे ग्रामीण नाराज एवं आक्रोशित होकर ब्लॉक मुख्यालय पर एक समूह में पहुंचकर मीराबाई समूह के पक्ष में जमकर नारेबाजी किया, तथा एक सूत्रीय मांग पत्र वीडियो को सौंप कर बताया कि मेरे गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान नहीं होने पर काफी दूर दूसरे गांव में जाकर अपना कोटा उठाते हैं, से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपना प्रदर्शन करने वाले में मीराबाई समूह के अध्यक्ष सुनीता देवी, सहायता समूह के सचिव डेजी दुबे, आदित्य दुबे, कृष्ण मुरारी दुबे, विनोद प्रसाद, उमेश प्रसाद, जय प्रकाश, संदीप प्रसाद, मुरारी प्रसाद, सुरेंद्र शर्मा, नंदलाल, शंभु प्रसाद, बीरबल यादव, ललन कुमार, प्रेम कुमार, श्याम सुंदर प्रसाद, रमेश प्रसाद, शारदा प्रसाद, तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ राजेश कुमार दुबे की रिपोर्ट। इसको लेकर के 5 साल से जनता, ग्राम सभा मिसरौली की जनता जो है तबाह हो चुकी है। अधिकारी जो है संज्ञान नहीं ले रहा है। हमारे यहाँ कोटा का चयन करने के लिए गए डीजी महोदय, सचिव साहब गए और कहे कि आप लोग आवेदन कर दीजिए। हमारे यहाँ से 2 आवेदन हो गया और ये लोग कहे कि जिले से जो है नियुक्ति कर दी जाएगी, जबकि हमारे यहाँ की जनता ये चाहती है कि सीमा देवी के पक्ष में जो है कोटा का चयन किया जाए। अभी आप किसको ज्ञापन दिया है? मैं BDO साहब को दिया।